हेलो स्टूडेंट, तो कल मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में जो इससे पहले जो वीडियो थी सॉरी नेक्स्ट वीडियो कह रहा हूँ इससे पहले जो वीडियो आपको मैंने कराई थी प्रीवियस वीडियो, उस वीडियो में मैंने आपको एक्स क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर कराए थे, ठीक है कि नहीं? रिमाइंडर, क्वाड्रेंट, डिविजल, ठीक है कि नहीं? एंड डिवाइड, ये आपको बताया था किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, किस प्रकार से रिमाइंडर आता है और क्या चीज होती है, ठीक है कि नहीं? किताब में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ था, जो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि डिविडेंड इस टाइप से मैं आपको फार्मूला लिखाया था और इसी बेस पर मैंने कहा था कि अगर रिमाइंडर जीरो है तो इसका भी डिविजर और क्वाड्रेंट, और अगर मैं एक क्वेश्चन कराने आ रहा हूँ जैसे बोर्ड में आ जाता है आता है नौ क्वेश्चन के उसमें कि जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन है उसमें डिवाइड किया जा रहा है उसमें ए की वैल्यू मिसिंग है या के की वैल्यू मिसिंग है, किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन या सिंगल पॉलीनोमियल से डिग्री से डिवाइड किया जा रहा है तो उसमें के ए एन की मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना होता है, ठीक है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, अच्छा क्वेश्चन है, सब फोकस कीजिएगा। मैं किताबी भाषा को यूज ना करते हुए आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कोई किताब में क्या करा गया है कि इसको रिमाइंडर को दिया जाता है, या तो आप पहले क्या करें कि डिविडेंड है जो डिविडेंड में से पहले आप रिमाइंडर को लेस कर दीजिए और लेस करने के बाद आपका डिविजर और इंटू क्वाड्रेंट आपका निकल के आता है। ये तो बात एक ही हुई, ओके हमने रिमाइंडर को लेस कर लिया यानी डिविजर से उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका जीरो हो जाएगा, उसको सीधे रेशियो से कंपेरिजन करने के बाद आप उसको एक्स और ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर मैं सीधा सीधा सिंपल मेथड समझा रहा हूँ और सीधा सीधा सिंपल मेथड में यूज कर रहा हूँ एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग, और उसमें आपको एक्स और ए की वैल्यू यानी के की वैल्यू मिसिंग जो वैल्यूज होंगी उसे फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है? इसका यूज नहीं कर रहा हूँ, काफी वो रहता है बाद में आप कहेंगे ये क्या हुआ रिमाइंडर कौन जीरो हुआ, तो बेहतर है कि आपको एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बता दूँ। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, वो एफ एक्स है और इसको हम एक्स की पावर 4-6x³ एंड +16x² एंड माइनस के 25x एंड +10, ये आपके पास एक पॉलीनोमियल है, इसको आप डिवाइडेड किया गया अनदर पॉलीनोमियल से, जैसे मैंने आपको gx का लिया गया इससे डिवाइड किया गया, तो डिवाइड करने पर इसकी जो वैल्यूज है वो है x² - k 2x + k, यानी मिसिंग वैल्यू आ गई k और जो रिमाइंडर आया यानी rx, ठीक है, जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आपका निकल के आ रहा है x + a, यानी रिमाइंडर आपके पास जो है x + a निकल के आ रहा है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ जो मिसिंग वैल्यूज है a एंड k, यानी k की वैल्यू मिसिंग फाइंड करनी है और a की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी a और k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि इसको से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो x + a निकल के आ रहा है, और अगर मैं करने आऊँ तो इसमें से पहले इसको कटाऊँ इसको डिवाइड करूँ और कंपेरिजन करूँ जीरो के अकॉर्डिंग, उससे बेहतर आप नॉर्मल फैक्ट को सीखिए जो मैंने लास्ट टाइम कराया था आपको, इस सीधा सीधा डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर को इस रिमाइंडर से कंपेरिजन कर दीजिए और कंपेरिजन करने पर आप x और a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं नॉर्मली मेथड से। तो मैं इसको नॉर्मली आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ कि x की पावर 4-6x³ + 16x² - 25x + 10 को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ x² - 2x + k से, और जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को मैं इस रिमाइंडर से कंपेरिजन कर दूंगा, क्योंकि इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये बताया गया है, ठीक है जी, मुझे x k की वैल्यू फाइंड करनी है और a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं पहले इसको डिवाइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं आपको पहले बता दूंगा कि यहाँ की डिग्री 2 है यहाँ की डिग्री 4 है, पर इसका कांस्टेंट वैल्यू 1 है, इसका कांस्टेंट वैल्यू 1 है, ये कांस्टेंट वैल्यू तो सही थी पर वैल्यू पॉजिटिव है, और क्या लूंगा x² का मैं मल्टीपल इससे कर रहा हूँ तो x की पावर 4 x² का ऐसा भी होगा तो माइनस के कितना 2x³ एंड k, यहाँ k है ना, और प्लस kx² लेस देन करने पे ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये x की पावर 4 कैंसिल हो गया, यहाँ आपका नेगेटिव 6x³ था यहाँ पॉजिटिव के 2x³ है, तो नेगेटिव 6x³ में से पॉजिटिव 2x³ है माइनस के
फोर एक्स क्यूब आपका बचा, ओके नेगेटिव साइन बचा। उसके बाद आप कहेंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यूज तो नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। परंतु जब आप इसको सॉल्यूशन करने आएंगे तो नाइन्थ क्लास में प्रूव आप करूंगी एट और नाइन्थ में कि एक्स क्यू स्क्वायर कॉमन लेने तो आपका बचेगा 16 माइनस 8 के, पॉजिटिव साइन यानी 16 माइनस 8 के और एक्स कॉमन कोष्टक में एंड वापस अगेन जो है माइनस के 25x एंड प्लस 10 वही बता ही दिया था कि सेम डिग्री वाले लेस होंगे, सेम डिग्री वाले ही ऐड होंगे, ठीक है। अब आप यहां देख रहे हैं माइनस का साइन है यानी माइनस के, यहां पे आपके पास x स्क्वायर है, पहले x लेंगे क्योंकि यहां पे साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन लिया जाएगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव से करेंगे तभी नेगेटिव आएगा। और यहां की कांस्टेंट वैल्यू 1 है, यहां की कांस्टेंट वैल्यू माइनस के 4 है तो यानी 4 ले लिया। माइनस फोर एक्स का मल्टीप्लाई मैं एक्स स्क्वायर से करूंगा तो माइनस के फोर एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस फोर टू जा एट एंड एक्स का एक्स से क्या गया तो एक्स स्क्वायर, इससे किया गया था माइनस के एट, सॉरी यहाँ पर कॉस्ट वैल्यू तो है ही नहीं ओनली फॉर के है तो माइनस के फोर के एक्स। लेस देन करने पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल एंड 16 माइनस के में से 8 कॉमन ले लूंगा। अगर मैं यहां दिखा दे रहा हूं 16 माइनस के एंड माइनस का 8 एंड x स्क्वायर कॉमन तो सॉल्यूशन आपका बचता है 8 माइनस के के का होल स्क्वायर, क्लियर। यहां आप देखेंगे अगर 25 में से लेस किया जाए तो नेगेटिव साइन है, प्लस का साइन अगर मैं ले लेता हूं तो 4 के पॉजिटिव लेस नहीं होगा तो यानी 4 के माइनस के 25 ब्रैकेट क्लोज एंड बाहर आपके x एंड प्लस 10, क्लियर। नेक्स्ट आप कितना लेना है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है परंतु यहाँ पे टिक के कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यहाँ पॉजिटिव साइन तो यहाँ मैं ले रहा हूँ 8 माइनस का k, ठीक है कि नहीं है। अब 8 माइनस k ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइन छोटी पड़ जाएगी, इसलिए मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ इसको करके, और एक्स स्क्वायर 8 माइनस के का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये वाला पोर्शन जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4 के एक्स के माइनस के 25 एक्स एंड प्लस 10, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ 8 माइनस के का तो 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर से किया गया तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर 8 माइनस के का मैं इससे कर रहा हूं तो माइनस का 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूं, ठीक है। पॉजिटिव साइन ले लेता हूं, माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस 2 का जब 8 से करूंगा तो कितना आएगा, माइनस 2 का जब 8 से करूंगा तो माइनस के 16 और माइनस 2 का जब मैं माइनस के से करूंगा तो प्लस के 2 के और एक्स, ठीक है। अब 8 माइनस के का अगर मैं इससे करता हूं तो प्लस के साइन ले लेता हूं और k का कर रहा हूं 8 से तो 8 के एंड माइनस का k स्क्वायर, ठीक है। लेस करने पे ये नेगेटिव ये से कैंसिल। अब इसको सॉल्यूशन करूं तो जब मैं कल पूरा 4 के में से जब नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 के में से 2 के लेस जाएगा तो 2 के बचेगा और ये पॉजिटिव हो जाएंगे माइनस के 25 में से प्लस के 16 जाएंगे तो कितना बचेंगे माइनस के 9 एक्स और 10 जब इसमें से लेस किया जाएगा तो आपका होगा माइनस का यानी प्लस 10 माइनस का 8 के एंड प्लस के के स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ए का रिमाइंडर आ गया आर एक्स। तो इसकी वैल्यू को यहाँ सॉल्व कर देते हैं तो इसका जो रिमाइंडर निकल के आया आर एक्स इक्वल एन वो आर एक्स है आपका 2 के माइनस 9 एक्स एंड प्लस 10 माइनस 8 के एंड प्लस के स्क्वायर, ये इसका रिमाइंडर है। जबकि अकॉर्डिंग टू हमें बुक के अकॉर्डिंग इसका जो रिमाइंडर दिया हुआ है वो x प्लस a दिया हुआ है तो x प्लस a इक्वल है 2k माइनस 9x
प्लस 10 माइनस 18 एंड प्लस एक्स स्क्वायर। आप कंपैरिजन कर लें कि इसका कोएफिशिएंट वैल्यू 1 है, इसका कोएफिशिएंट वैल्यू 2k माइनस 9 है, तो 1 इक्वल है 2k माइनस 9। तो जब आप 2k माइनस 9 को मैं रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कर दे रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा हूँ, तो इस पोर्शन को मैं रफ कर दे रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बाकी का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे तो 1 इसका कोएफिशिएंट है और इसका कोएफिशिएंट है आपका 2k माइनस 9, तो 2k इक्वल है 10 एंड k इक्वल है 5। तो k की वैल्यू तो फाइंड हो गई रहेगी आपकी a की, तो पुट इसके का इसके कांस्टेंट से इसके कांस्टेंट का कंपैरिजन किया, इसका कांस्टेंट a और इसका कांस्टेंट है 10 माइनस का 8k एंड प्लस एक्स स्क्वायर, एंड पुट अप द वैल्यू ऑफ के 10 माइनस 8 इंटू 5 एंड प्लस 5 स्क्वायर 10 माइनस 14 एंड प्लस 25 एंड 35 माइनस 40 एंड इक्वल एन ए इक्वल एन माइनस के 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ए, ए इक्वल टू 5 एंड ए इक्वल टू माइनस 5। क्लियर? तो ये आपके पास के और ए की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ उसके का क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ड्रॉप कर रहा हूँ मैं। तो ये एक क्वेश्चन और करा देता हूँ और उसके बाद आपका ये टॉपिक पॉलीनोमियल फिनिश हो जाएगा, आप उसके न्यूमेरिकल करिएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें कमेंट में कर, तो मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको बताने जा रहा हूं, आपके पास एक एफ एक्स दे रखा है, इन फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस एक्स एंड प्लस 2। अब आपके पास इसको रिमाइंडर दे रखा है, एक क्वार्टर दे रखा है, एक आपके पास आरएस है, आरएस आपके पास दे रखा है माइनस के 2x प्लस 4 और एक क्वार्टर दे रखा है आपके पास, उसकी वैल्यूज है आपके पास x माइनस 2 और आपको इस बार gx फाइंड करना है, यानी आपको डिवीजर फाइंड करना है, जिससे आप डिवाइड करते वही आपको इस बार फाइंड करना है, जबकि आपके पास जब क्वार्टर है तो वैल्यू से डिवाइड करके आती है वो है रिमाइंडर है, और जिसमें डिवाइड करते हैं वो भी है, परंतु इस बार आपको जो डिवाइड करते हैं वही फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करें। तो ये आपको मैंने करा चुका था कि डिविडेंड यानी एफ एक्स इक्वल है होता है आपके पास डिविजर इंटू क्वार्टर यानी कि प्लस रिमाइंडर, क्योंकि आपको जी एक्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले एफ एक्स माइनस रिमाइंडर इक्वल है जी एक्स इंटू क्वाड्रेंट, और जब आपको जी एक्स फाइंड करना है तो जी एक्स इक्वल हो गया आपका एफ एक्स माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेंट। इस बार डिवाइडर से रिमाइंडर पहले लेस करेंगे, फिर क्वाड्रेंट से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिजल्ट निकल के आएगा उसमें रिमाइंडर जी को होने का दिवाल ही नहीं है, तब आपके पास डिविजर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस एफ एक्स में मैं रिमाइंडर फाइंड कर रहा हूं, यानी एफ एक्स माइनस आर एक्स, एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एंड माइनस, अब माइनस ले रहा हूं तो पॉजिटिव साइन में जाएगा 2x एंड माइनस के 4, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 2, ठीक है कि नहीं। अब इससे क्वार्टर से डिवाइड करना है, तो जी एक्स फाइंड करने के लिए आप उसको डिवाइड कर दीजिए, एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 2, ठीक है कि नहीं। इससे डिवाइड करना है क्यू एक्स, और क्यू एक्स आपका क्या है एक्स माइनस के 2, डिवाइड कर लीजिए नॉर्मल तरीके से, ठीक है। एक्स स्क्वायर में एक्स क्यू माइनस के 2x स्क्वायर
लेस करने पर ये माइनस ये पॉजिटिव कैंसिल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स टू एक्स पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है आगे हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है देखा तो मैंने आपको शायद मैं कहाँ गलती कर गया बेटा शायद यहाँ मिस्टेक कर गया हूँ तो मैंने कहा था कि जब मैंने रिमाइंडर लेस किया था तो माइनस करने पे ये पॉजिटिव साइन हो गया था तो 2x और यहाँ x जो है मैंने लेस कर दिया था यहाँ प्लस के 3x आएगा यहाँ प्लस के 3x आएगा ठीक है ये प्लस के 3x है ठीक और जब ये लेस किया गया तो यहाँ बचा एक्स माइनस टू यहाँ पे आपको अपने आप ही ऑलरेडी दिख जाएगा कि हमारा रॉन्ग हो रहे हैं गलत हो रहे हैं कहाँ पे हमने गलत किया क्योंकि रिमाइंडर आने का मतलब ही नहीं है मैंने बोला जब आप डिवाइड कर रहे हैं क्वाड्रेंट में आप सीधा सीधा डिवीजन निकाल रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर को जो लेस कर दिया तो आपका तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा ये लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले ही तो ये भी आपको कंफर्मेशन होता है कि आप चेक कैसे कर सकते हैं कि अगर कहीं गलती आ रही है मिस्टेक हो रही है इसका मतलब आपने कहीं कोई रिमाइंडर बचा है मतलब कहीं कोई मिस्टेक कर दी है वो भी आप चेक कर सकते हैं ठीक है कि नहीं अब आप देख ही रहे कि x माइनस टू बचा यहाँ मिस्टेक हुई थी और हमने वापस दोबारा चेक करा तो हमने देखा यहाँ माइनस की गलती कर चुके थे इसलिए हमने वापस क्लियर कर दिया ठीक है कि नहीं अब क्या टाइम दे रहे हैं वन टाइम लेंगे प्लस के वन टाइम तो यहाँ x माइनस टू एंड रिमाइंडर जीरो तो ऑटोमेटिकली देख लीजिए रिमाइंडर जीरो आ गया ठीक है कि नहीं है यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पोर्शन कर दे रहा हूँ बाकी का पोर्शन का आपका यहाँ पर बचा था x माइनस टू और जब मैंने वन टाइम लिया तो x माइनस टू और ये आपका क्लियर हो गया रिमाइंडर जो है वो जीरो रहा तो सीधी सी बात की मैंने पहले कह दिया जब हम रिमाइंडर लेस कर चुके हैं तो फिर दोबारा अगेन रिमाइंडर बचने की कोई संभावना नहीं पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसलिए कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है सर आप दोबारा अगेन चेक कर लें कि अगर कोई बच रहा है रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब हमने कहीं कोई मिस्टेक कर दी है ठीक है तो आपके पास जी एक्स की जो वैल्यूज आई वो आपके पास जी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस वन तो आपके पास एफ एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स अगर इसमें से हमें कोई तीन वैल्यू दे रखनी है तो हम चौथी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर हमें फंक्शन दे रखा है जी एक्स नहीं दे रखा तो क्यू एक्स और आर एक्स दे रखा होगा अगर हमें क्यू एक्स निकालना है तो एफ एक्स जी एक्स या आर एक्स दे रखा होगा या क्या कंप्लीटली डिवाइडेड है तो हमें सीधी सी बात है कि रिमाइंडर हम जीरो लेंगे उसके बाद यानी इन फोर वैल्यूज में हमें कोई थ्री वैल्यूज को गिवन करेगा तभी हम फोर चौथी वैल्यू यानी कि फोर वाली जो वैल्यूज है वो हम फाइंड कर सकते हैं तो आपके पास ये पूरा कंप्लीट मैंने सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चन है जितना ही मेथड है सारे करा दिए पॉलीनोमियल का टॉपिक आपका यहीं फिनिश होता है इसके न्यूमेरिकल करिए कमेंट के अंदर आप मुझे इसके कोई भी अपने जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आपका नया वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा थैंक यू।